विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने इस बार कोरोना वायरस को लेकर आपत्तिजनक बात कही है बरेली पहुंची साध्वी प्राची ने कहा कि अगर देश में कोरोना के डर से मंदिर बंद हो सकते हैं तो मस्जिदों को भी बंद कर देना चाहिए इतना ही नहीं उन्होंने देश में कोरोना वायरस के फैलने के पीछे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि कोरोना के डर से वैष्णो देवी और सिद्धिविनायक मंदिर बंद हो गए हैं और इसके अलावा और भी मंदिर बंद है क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू बहुत सेंसिटिव है मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि, कि अगर देश में मंदिर बंद हो सकते हैं तो धर्म और जाति के ऊपर उठकर सरकार को जामा मस्जिद और अन्य मस्जिदों और मदरसों को भी बंद कर देना चाहिए साध्वी प्राची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खास तौर पर अपील की है वो यूपी में मस्जिदों को तुरंत बंद करवाए क्योंकि कोरोना मस्जिदों तक पहुंच रहा है मुझे कहना नहीं चाहिए मैं उनसे ना कह करके सरकार से आ, निवेदन करती हूँ सिफारिश करती हूँ हिंदुस्तानियों की तरफ से जब हिंदुस्तान के अंदर मंदिर बंद हो सकते हैं तो धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हिंदुस्तान की सरकार को हिंदुस्तान में जामा मस्जिद और जितनी भी मस्जिदें और मदरसे हैं जहाँ पर पांच समय की जो नमाज अदा की जाती उन सभी मस्जिदों को बंद करना चाहिए क्योंकि कोरोना फैल रहा है कोरोना तो वहां भी जाएगा जब मंदिरों में जाएगा तो मस्जिदों में कौन सा नहीं जाएगा इसीलिए पांच समय की जो नमाज है ये बंद होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर और विशेषकर योगी जी उत्तर प्रदेश में तो जल्दी बंद कराओ क्योंकि ये मस्जिदों तक घुस रहा है इसकी बहुत जरूरत है देखिए वैसे तो ये राहुल गांधी ने फैलाया क्योंकि इटली से आए हैं और मैं समझती हूं कि राहुल गांधी को ये बात नहीं करनी चाहिए कोरोना की राहुल गांधी को तो केवल और केवल